आप देख रहे हैं खबर आपकी राजस्थान न्यूज चैनल। झालावाड़ जिले के चौमहला की राह अभी भी आसान नहीं हुई। अंडरपास के कार्य में लेट लतीफी का खामियाजा जनता भुगत रही है। आमजन को 3 से 4 किलोमीटर का अतिरिक्त चक्कर लगाना पड़ रहा। वही अंडरपास के पास रहवासियों का घर से निकलना हुआ मुश्किल। घर का दरवाजा खुल रहा अंडरब्रिज के गड्ढे में, बाईपास पर वाहन चालकों को धूल भरे गुबार का सामना करना पड़ रहा, लेकिन जिम्मेदारों के कान पर जूं तक नहीं रेकी है। सोमवार को किराना व्यापार संघ नगर हित संघर्ष समिति ने रेल मंत्री सहित रेल अधिकारियों के नाम उपखंड अधिकारी को ज्ञापन देकर कार्य शीघ्र पूरा कराने की मांग की है। साथ कहा, यदि कार्य में गति नहीं हुई तो आंदोलन की चेतावनी दी गई। कस्बे के मध्य से गुजर रही दिल्ली मुंबई रेल लाइन पर स्थित रेल फाटक पर अंडरपास का कार्य धीमी गति से चलने के कारण कस्बे वासियों को आवागमन में काफी परेशानी हो रही है। वही कस्बे का व्यापार व्यवसाय प्रभावित हो रहा है। कार्य चलते चलते 4 माह हो गए, लेकिन अभी तक कार्य पूरा नहीं हुआ है तथा जाली बांधने व सीसी का कार्य धीमी गति से चल रहा। कार्य में मात्र 5-6 आदमी लगे हुए हैं, जबकि लेबर बढ़ाकर कार्य तेज गति से भी किया जा सकता है। आम लोगों की परेशानी को देखते हुए किराना व्यापार संघ व नगर हित संघर्ष समिति ने रेल मंत्री सहित रेल अधिकारियों के नाम ज्ञापन देकर कार्य तेज गति से करवा कर शीघ्र पूरा करने की मांग की है। ज्ञापन में लिखा कि अंडरपास का कार्य बहुत धीमी गति से चल रहा है, जिससे लोगों को परेशानी हो रही है। निकट ही बरसात का मौसम आने वाला है, यदि कार्य पूरा नहीं हुआ तो बरसात में कार्य में परेशानी होगी। यदि कार्य में तेजी नहीं आई तो आंदोलन किया जाएगा, चौमहला कस्बा बंद कर धरना प्रदर्शन किया जाएगा। इस अवसर पर किराना व्यापार संघ अध्यक्ष पवन पिछोलिया, व्यापार महासंघ संयोजक दिलीप जैन, नगर हित संघर्ष समिति के प्रशांत सोनी, अशोक मांडलिया, अशोक गुप्ता, धर्मेंद्र जैन, किशोर गुप्ता, मुकेश गुप्ता, अरविंद महाजन, निलेश कोठारी, विनायक अग्रवाल, राकेश प्रजापत, अंतिम नांदेचा, देवेंद्र गुप्ता आदि मौजूद रहे। खबर आपकी राजस्थान से, आबिद हुसैन की रिपोर्ट। नगर हित संघर्ष समिति द्वारा अंडरपास का निर्माण जो चल रहा है, निर्माणाधीन कार्य बहुत धीमी गति से चल रहा है। इसको शीघ्र पूर्ण कराने के लिए माननीय ज्ञापन दिया, उसमें मांगे रखी गई इस ज्ञापन अंडरपास का कार्य शीघ्रता से पूर्ण कराए। साथ ही चौमहला में जनता क्लिनिक की मांग रही है, क्योंकि 75% आबादी फाटक उस साइड है और 25% इस साइड है। 25% वाले साइड है, यहाँ पे बड़ा हॉस्पिटल है, मेला नगर निर्माणाधीन अंडर ब्रिज जो विगत 4 माह से उसका निर्माण कार्य चल रहा है और बहुत ही धीमी गति कछुओं की गति से चल रहा है। चौमहला का संपूर्ण व्यापार व्यवसाय चौपट हो चुका है। आम नागरिक व जनता परेशान है, मानसिक परेशानी से गुजर रही है। इसको लेकर हमने आज रेल मंत्रालय के नाम SDM उपखंड अधिकारी महोदय गंगधार को आज एक ज्ञापन दिया कि इसको शीघ्र से शीघ्र पूर्ण किया जावे, नहीं तो आने वाले समय में नगर हित संघर्ष समिति व व्यापार संघ चौमहला किराना व्यापार संघ धरना प्रदर्शन करेगा, रेल रोको आंदोलन करेगा। इसके संबंध में आगे वो कार्रवाई की जाएगी। वह द्वितीय जो चौमहला की मुख्य मांग जो चल रही है, अभी नगर 2 भागों में विभाजित होने के कारण चिकित्सा सुविधाओं से परेशानी आ रही, उसके लिए एक जनता क्लिनिक चौमहला कस्बे के अंदर खुला जावे, ये मांग भी आज हमारे द्वारा राजस्थान के चिकित्सा मंत्री के सम्मुख एक पत्र देकर SDM साहब बहुत ज़्यादा परेशान है। अंडर पास का काम जल्दी से जल्दी पूरा होना चाहिए। 15-20 मार्च तक की तारीख दी गई थी और अभी तक कोई काम नहीं है। परेशानी खत्म करने के लिए समय पर काम होना चाहिए और समय पर काम हो जाना चाहिए। अगर आने वाली 5 तारीख तक अगर मान लो काम सुचारू रूप से नहीं चलाएं तो इसके लिए हम धरना प्रदर्शन करेंगे। व्यापारी परेशान नहीं है, पूरा नगर परेशान है। गंगा चौमहला के जितने भी गांव के आसपास के जितने भी गांव हैं, 100-200 गांव पूरे टोटल लोगों की समस्या है, सिर्फ व्यापारी की नहीं, पूरा नगर परेशान है। इसका शीघ्र काम होना चाहिए, वहां पे मजदूर कारीगर बनाने चाहिए, रेलवे को इस पर ध्यान देना चाहिए, सरकारी अधिकारी लोगों को, नहीं तो ये आंदोलन होके रहेगा।